काम चल नहीं रहा है तो मंडी से आते हैं, डेढ़ घंटे मिलता है सर, इसमें काम चल नहीं रहा, कम से कम 12 बजे तक खुलना चाहिए। अब सर चाहते हैं कि 12 बजे तक खुलना ही चाहिए पक्का। का भी मंडी के रेट का पैसा नहीं आ रहा सर, मंडी के रेट का भी पैसा नहीं, जो माल इतना कितना वो सर 4 दिन में बिक रहा है। हम सरकार से ये माना कम से कम 12 बजे तक खुलना चाहिए सर। जो खुली हुई है मैंने परसों के बाइट में दिया था कि जो दुकानें खुली हैं यहाँ और कुछ चंद से चंद इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं जो खाने पीने वाली हैं, डॉक्टर की है या सब्जी वाले की है। तो इतना टाइम जो 6 से लेकर ये इन्होंने 10 बजे रखा हुआ, लोग कम से कम 8-9 बजे 10 बजे उठते हैं, ये क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। और गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि इनका जो टाइम कुछ आगे पीछे थोड़ा सा करके मतलब कि इनको करना चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं 8 से लेकर कोई 12 बजे तक ये टाइम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट से लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ और दूसरी और भी कुछ ऐसी दुकानें हैं उनका भी थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेशनरी की है, कपड़ों की है या रेडीमेड की है, तो ऐसी जो दुकानें हैं इनको भी थोड़ा सा कुछ रिलैक्स देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कुछ मतलब अपने जो लोन लिए हुआ है, जो घर का खर्चा चलाना है, जहाँ मतलब को उठना बैठना है, सर्दी लेनी है, तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग उठे हुए हैं, लेकिन और ऐसा ना हो कि जो ऐसा ये दबाव डाल रहे हैं कुछ चंद लोगों के ऊपर, चंद लोग जो है ऐसे लोगों के ऊपर, तो ये हाहाकार जो मची हुई है। इसीलिए ऐसा ना हो कि ये जो लोग मतलब कि ऐसा कर रहे हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनको भी कुछ रिलैक्स देना चाहिए। इसलिए मेरा आपको जय हिंद जय भारत।